से चेंज तो काफ़ी है, मतलब जैसे मतलब पहले मैंने घर पे जब मैं थी मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई थी ऐसा सच यहाँ किसी से, पर जैसा यहाँ पे एनवायरनमेंट है जैसे नोट्स है जो लिमिटेड जो मिलता है कि हाँ अब यही पढ़ना है यहीं से पढ़ना है, तो वो प्रॉपर रिविजन भी हो पाता है घर जाके। यहाँ पे फ़ोन्स वगैरह सब कुछ हमारा स्विच ऑफ होता है तो सारा जो भी टाइम होता है सारा पढ़ाई में ही जाता है, तो सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। जो भी नोट्स वगैरह होते हैं हम रिवाइज भी वही करते हैं जो यहाँ पर दिया जाता है। आपको जितना टाइम यहाँ पे मिलता है तो आप ये मानते हैं कि वो उतने टाइम कम से कम आप क्वालिटी स्टडी हाँ, कर पाते वो हैं, क्वालिटी स्टडी होता है। और घर जाने के बाद भी एक टारगेट रहता है कि भी नेक्स्ट डे के लिए हमें क्या पढ़ के आना है। हाँ, क्या पढ़ के आना है, और जो दिया है वो भी पूरा रिवाइज मतलब कम से कम 3-4 बार उसका रिविजन हो जाता है एक ही दिन में। और क्या आपको ये बिलीव था कि भाई ये 20-25 दिन के ड्यूरेशन में आप 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाएंगे, जिसमें से कई सब्जेक्ट की दोबारा रिवीजन स्टार्ट हो चुकी है? हाँ सर, यहाँ पे अगर नहीं आते तो बिल्कुल बिलीव नहीं था कि हम लोग घर पे सब कंप्लीट कर पाते, बट यहाँ पे आने की वजह से काफ़ी मतलब पढ़ाई में भी काफ़ी क्वालिटी चेंज आया है, और वैसे भी मतलब नॉलेज भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है कि क्योंकि कहीं सारी हम लोग जो नोट्स पहले कहीं से कोचिंग की थी तो वही सारा रिपीटेटिव चल रहा था, पर यहाँ पे नई चीज़ें पता चली, पढ़ने को मिली। और जो आपके डेली टेस्ट होते हैं, टेस्ट से आपको लगता है कि एक अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करने का डेली मौका मिलता है कि क्या कमियां हैं, सर कहां सबसे सुधार बड़ा करना है? यहाँ पे ज्वाइन करने का मेरा रीज़न यही था कि सेल्फ एनालिसिस हो जाता है, जो भी पढ़ते हैं जो भी सारा शाम को जो भी मिलता है टेस्ट, तो उससे पता चलता है कि हाँ कितना पढ़ा है और किस तरीके से क्या क्या चीज़ मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे ये टेस्ट में आज ये क्वेश्चन आया तो कहीं बार पढ़ते टाइम ऐसा लगता है कि अरे ये तो छोड़ दे तो आता है हमको, पर जब हम टेस्ट देते तो ऐसा वहाँ पे वो चीज़ नहीं आ पाती, तो फिर पता चलता है कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है और कैसे उन नोट्स को पढ़ना है एक बार। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आपको अब ये लगता है कि अगर इसी पैटर्न पे साल भर मेहनत कर ली जाए तो कोई भी एग्ज़ाम इजीली क्रैक किया जा सकता हाँ है? सर, डेफिनेटली। चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, मेहनत थैंक यू कीजिए। सर। थैंक यू।